47 लेके गई थी श्रेया, क्या वो पिस्टल रखे गई थे अपने बैग में कि आज श्रेया को आप फूलन देवी बना के पूरी क्लास क्लास चेहरा रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए, कॉलेज को, स्कूल को शर्म आनी चाहिए कि एक बच्ची जो खुद ही इरिटेट हो चुकी है आपके उतने टॉर्चर करने से क्योंकि आपने मोबाइल निकाले। नमस्कार, मैं हूँ शरद सिंह, आप देख रहे हैं जौनपुर डेली टाइम। आज चर्चा करते हैं आजमगढ़ जिले की, आजमगढ़ महापंडित राहुल सरकृत्यान की कैफियत का शहर, आजमगढ़ कैफी आजमी की रूहानियत का शहर, वही आजमगढ़ जो कभी डर भय और आतंक के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के दौर में आज के दिन की बात करें तो आज आजमगढ़ 16 वर्षीय छात्रा श्रेया तिवारी के नाम से जाना जा रहा है, ये कहने में मुझे तनिक संकोच नहीं है। बता दें कि 31 जुलाई को चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में श्रेया तिवारी की तीसरी मंजिला से कूद कर जान देने पर कल जौनपुर सहित अन्य जिलों में तमाम संगठनों ने शांतिपूर्ण तरीके से विद्यालय को बंद करके विरोध प्रदर्शन किया। इस विषय पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी राष्ट्रीय हिंदू भगवा वाहिनी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अंजना सिंह। आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सरस जी। मैडम, आजमगढ़ की घटना से सब वाकिफ हैं, क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? सबसे पहले तो जो श्रेया थी मैं उसको विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ, बहुत दुखद घटना हो गई। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज प्राइवेट स्कूलों की हालत बहुत गंभीर है, इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से उस बच्ची ने टॉर्चर होके और इरिटेट होके इतना बड़ा कदम उठा लिया, ये बहुत सही नहीं है। तमाम संगठनों ने कल जौनपुर सहित अन्य जिलों में विद्यालय को बंद करके विरोध प्रदर्शन किया शांतिपूर्ण तरीके से, क्या कहें? मैं तमाम संगठनों और विद्यालयों के प्रबंधकों से ये कहना चाहती हूँ कि एक दिन का विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक, ये कौन सा राष्ट्रीय शोक आप मना रहे हैं? आज बच्चे जो गलत कदम उठा रहे हैं ये कहीं न कहीं आपके विद्यालय की कमी है। जिस प्रकार से आप बच्चों को एक छोटी सी मोबाइल मिल जाने की वजह से इतना टॉर्चर किए, मेंटली डिस्टर्बेंस आती है बच्चों में। ये उम्र अपरिपक्व उम्र होती है, 6 से लेके 12 तक के बच्चों में अभी डेवलपमेंट नहीं होता, उस तरीके से माइंड डेवलपमेंट नहीं होता है, तो वो कोई भी कदम गलत उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ उसके साथ जो किया गया, वारदातें हुई हैं, तो ऐसा कदम उसने उठाया और एक दिन के विद्यालय को बंद करने से मैं नहीं समझती हूँ कि इस पे रोक लग पाएगी। इस पूरी घटना में अगर मोटा मोटा निष्कर्ष निकाले तो मोबाइल बहुत अहम कड़ी है। यही विद्यालय प्रबंधन कोविड काल में मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेस कराने के लिए बच्चों को मोबाइल खरीदवाने के लिए बहुत प्रेरित किया। बिल्कुल, कोरोना काल में देखा जाए तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, महीनों घर पे रहे, और विद्यालय प्रबंधन का यही सबसे पेरेंट्स से यही कहना था कि आप सब लीजिए मल्टीमीडिया सेट लीजिए जिससे बच्चे ऑनलाइन की पढ़ाई कर पाए। तो बच्चों में मोबाइल का एक क्रेज चला आया, लेकिन यहाँ पे जो मैटर है ये तो बिल्कुल विपरीत है। अगर बच्चे के बैग से कीपैड की मोबाइल निकलती है तो मुझे नहीं लगता है कि उसको इतना ज्यादा टॉर्चर करने की आवश्यकता है कॉलेज को। धारा 206 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज करके क्लास टीचर और प्रधानाध्यापक को जेल भेज दिया गया, इसी को लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ है मैडम। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश से ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई वारदात होती है तो अगर स्कूल में हुई है तो स्कूल का प्रबंधन, हॉस्पिटल में होती है तो हॉस्पिटल के अधिष्ठाता, इनको पकड़ा जाता है। जरूरी नहीं कि इनको जेल ही होगी, ये अपना जो है अपना सबूत दे के अपने आप को प्रूफ करें, और इस पे अगर इनके वहाँ जेल में जाने की वजह से स्कूलों को बंद करके मौन शोक करवा करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है तो सरासर गलत है। एक बच्ची के माता पिता से पूछिए कि वो कितने अरमानों से अपने घर से बच्ची को भेजते हैं, कितना उम्मीद करके, कितना विश्वास करके स्कूलों पे भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, और वहाँ पे इस तरह से बच्चों के साथ होती हरकतें जो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। पूरा आजमगढ़ आज गमगीन माहौल में है उस बिटिया श्रेया तिवारी के जाने से। पूरा घटना मैडम मोबाइल को लेकर हुआ है, मोबाइल किस तरह से बच्चे एज ए गार्जियन के तौर पर अपने बच्चों को दे? देखिए, जहाँ तक ये मामला था, बच्चे के बैग से मोबाइल निकलती है, ये मामला आपका 3 दिन चला, ये छोटा सा मैटर, अगर क्लास टीचर हैं और मोबाइल निकलती है बच्चे के बैग से तो वहाँ मामला, अगर घर पे फोन करते हैं और पेरेंट्स नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश, दूर हो भी हो सकते हैं घर से, तो आप बच्चे को प्यार से एक पेरेंट की तरह, क्योंकि घर का जब गार्जियन आपको बच्चों को भेजता है तो स्कूल में जो टीचर्स हैं वो एक पेरेंट होते हैं, और आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ तो उस तरीके से बिहेवियर नहीं करेंगे कि वो बच्ची, जहाँ तक मैंने देखा, घंटों प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर उसे खड़ा किया गया,
उसको टॉर्चर करना ही है, उस बच्ची के दिमाग में उतनी देर में कितनी चीजें आई होंगी कि कल मैं अपने सहपाठियों से, अपनी फैमिली से किस तरह से नजर मिला पाऊंगी, मैं कितना उनको जवाब दूंगी। एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी की पैड की मोबाइल के लिए आप उसे अच्छे से समझा भी सकते थे कि बेटा मोबाइल नहीं लाते हैं, या बच्चा बताता है कि भाई मैं दूर से आती हूँ इसलिए मोबाइल की जरूरत। यहीं पे रोकना चाहेंगे, जो श्रेया के कलीग है उनका गंभीर आरोप है कि बच्ची को पूरे स्कूल में घुमाकर हर क्लास में ले जाके बताया गया बच्चों से कि देखिए यही श्रेया है, इन्हीं के मोबाइल से कीपैड निकला है। मैं एक संगठन की प्रदेश अध्यक्ष होने में आते मैं एक बहुत ही जोरदार आपको जवाब दूंगी, क्या श्रेया ने AK-47 लेके गई थी? श्रेया क्या वो पिस्टल रखी गई थी अपने बैग में कि आज श्रेया को आप फूलन देवी बना के पूरी क्लास क्लास चेहरा रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए, कॉलेज को, स्कूल को शर्म आनी चाहिए कि एक बच्ची जो खुद ही इरिटेट हो चुकी है आपके उतने टॉर्चर करने से, क्योंकि आपने मोबाइल निकाले उसके बाद आपने प्रिंसिपल ऑफिस में ले गए, फिर यहाँ टॉर्चर कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े कर रहे हैं, 3 दिन ये प्रकरण आप पूरा लगाए हुए हैं, तो आप क्लास क्लास टहला के उसको क्या प्रूफ कर रहे थे? अब बच्चों, और मैं ये कहती हूँ कि श्रेया ने जो कर लिया ठीक है कर लिया, उसके इस कदम से और बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके साथ की जो लड़कियां थी, मैंने कितनी लड़कियों के इंटरव्यू सुने, वो सब कितनी हतप्रभ होंगी, कितनी अंदर से उनका पढ़ाई मन लगेगा, सब बच्चों के दिमाग में तो कुछ गलत धारणाएं चलेंगी ना। मैम एक सवाल ये है कि श्रेया तिवारी के कपड़े फटे हुए थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुछ खास नहीं निकला, ये कपड़े फटने वाली बात कहां से कैसे आई था? भाई देखिए, जिस हिसाब से पूरा कॉलेज प्रशासन लग करके जब उसकी मृत्यु, वो छत से कूद जाती है, उसके बाद भी आप कितनी देर बाद अब उनके पेरेंट्स को बताते हैं? आपने साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया, जहां ब्लड गिरा है वहां पे आपने धुलवाया, लड़की को स्कूटी पे लाद करके कई हॉस्पिटल्स में आपने ट्रीटमेंट कराने का प्रयास किया, कपड़े फटे थे तो उसको भी जो आपने किया होगा, तो ये तो एक गहन रहस्य हो गया। आप जो प्रिंसिपल और टीचर्स जेल में जा रहे हैं, हो सकता है कि वो पूरा इन्वॉल्व हो इसमें, पूरा प्रशासन, उनका पूरा स्कूल इन्वॉल्व है इसमें, ये तो अब पूरा समझ में आ रहा है, इसलिए वो लोग खुआए हुए हैं। आज पेरेंट्स किस बेस पे बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराएं, इतना पैसा दे रहे हैं, उसके बाद ये रिजल्ट मिल रहा है कि माँ बाप को बच्ची मरने के बाद भी पता नहीं चलता है कि मेरी बच्ची मर गई है, आप लेके घुमा रहे हैं उसको। तमाम संगठनों ने कल जौनपुर सहित अन्य जिलों में विद्यालय शांतिपूर्ण तरीके से एक दिन की बंद की, ये क्या इसका निष्कर्ष था, क्या किस तरीके से ये बताइए, ये संगठनों को मैं आगे चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ, बेवकूफी क्यों कर रहे हैं आप लोग? कोई चीज जब तक निष्पक्षता से उसकी जांच हो रही है, अगर श्रेया गलत थी तो श्रेया गलत है, अगर स्कूल वालों की गलती है तो स्कूल वाले निकलेंगे, उसमें आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? और एक दिन का स्कूल बंद करके, अभी मैंने सुना एक दिन का स्कूल बंद हो गया, ठीक है लग गया सब बंद हो गया, आज मैं सुन रही थी कि पेरेंट्स भी अब एक दिन का स्कूल बंद करवाएं, इन एक दो दिन के स्कूल बंद करने से क्या निष्कर्ष निकलेगा मुझे बताइए? श्रेया को न्याय मिल जाएगा? हमें श्रेया की जस्टिस चाहिए, ना कि स्कूल बंद करके आप शोक व्यक्त कीजिए या अपना वो जताइए, विरोध प्रदर्शन कीजिए। और मैं प्राइवेट स्कूल वालों को चेतावनी देती हूँ कि आप लोगों की नौटंकी इस टाइप की बंद नहीं हुई तो फिर आगामी भविष्य में आपका कॉलेज स्कूल बंद होगा, और ये सरकार को फिर ये नीति अपनानी पड़ेगी, सारे स्कूलों को सरकारी करना पड़ेगा। आपका संगठन श्रेया तिवारी की तरफ से कैसे क्या कर रही है? मैं श्रेया तिवारी को हमारे संगठन की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार को भी ढांढस बंधाने का प्रयास कर रही हूँ, और यही चाहती हूँ कि जिस तरह से श्रेया के साथ हुआ है ऐसा अन्य बच्चों के साथ न हो, और श्रेया को न्याय मिले, और न्याय के लिए अगर हमें भी सड़क पे आना पड़ेगा तो हम पूरे संगठन के साथ सड़क पे आने को तैयार हैं। चलिए मैडम, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी।